बचपन में हम सब ने डोरेमोन देखा है। इवन जापान में ही नहीं, डोरेमोन एक टाइम वर्ल्ड का सबसे ज्यादा देखने वाला कार्टून था। पर क्या आप जानते हैं नोबिता की रियल लाइफ स्टोरी क्या है? नहीं तो आज हम इस वीडियो में जानते हैं कि आखिर नोबिता की रियल स्टोरी थी क्या। नोबिता जापान में रहता था। जैसे कि हम सब ने कार्टून में देखा है, नोबिता एक आलसी और कमजोर लड़का था जो अपना काम कभी खुद नहीं करता था और हमेशा रोता रहता था। उसके दोस्त हमेशा उसे परेशान करते थे। सब कुछ रोज की तरह चल रहा था, पर एक दिन नोबिता स्कूल से घर जा रहा था। उसे रास्ते में एक कैट दिखाई देती है और वो उस कैट को घर लेकर आता है, लेकिन नोबिता की मॉम उस कैट को घर में रखने से मना कर देती है। पर नोबिता के काफ़ी जिद करने के बाद मॉम कैट को घर में रखने के लिए हाँ बोल देती है। काफ़ी टाइम हो जाता है, नोबिता हर वक्त उस कैट के साथ खेलता रहता है, पर धीरे धीरे वो उस कैट के साथ इतना खेलने लग जाता था कि वह बाहर भी नहीं जाया करता था और ना ही पढ़ाई करता था। एक दिन नोबिता ने सोचा कि इस कैट का नाम रखना चाहिए, तो एक जगह लिखा था डोरेमोन। नोबिता उस कैट का नाम डोरेमोन रख देता है। उसके बाद नोबिता डोरेमोन को दिखाने के लिए अपने दोस्तों के पास जाता है, लेकिन जब नोबिता जा रहा होता है तभी डोरेमोन उसके हाथ से कूद कर भागने लगता है। नोबिता उसके पीछे भागने लगता है, पर अचानक एक बड़ी गाड़ी डोरेमोन को टक्कर मार देती है और डोरेमोन वहीं मर जाता है। उसके बाद नोबिता डिप्रेशन में चला जाता है। नोबिता की मॉम उसे कहती है, मैं तुम्हें नई बिल्ली लाकर दूंगी, तुम डोरेमोन को भूल जाओ। कई महीनों तक नोबिता डिप्रेशन के बाहर नहीं आता, जिसके कारण नोबिता को एक बीमारी हो जाती है जिसका नाम था शिम्पोजेनिया। इस बीमारी में नोबिता इमेजिन करने लगता है कि डोरेमोन अभी भी उसके साथ और उसे एक दोस्त उसे परेशान कर रहे हैं और डोरेमोन उसे गैजेट दे रहा है। 6 महीने तक नोबिता हॉस्पिटल में रहता है। उसके बाद डॉक्टर कहते हैं अब ये शिम्पोजेनिया से ठीक हो गया है, उसके घर भेज दिया। नोबिता बीमारी से ठीक होने के बाद अपनी मॉम से पूछता है डोरेमोन कहाँ है। उसकी मॉम कहती है वो तो मर चुका है। नोबिता कहता है मॉम डोरेमोन जो हमारे साथ रहता था, हमारे साथ खाता था और वो मुझे गैजेट भी देता था। की मॉम फिर कहती है वो मर चुका है, जिसे सुनने के बाद नोबिता फिर से सदमे में आ जाता है और सुसाइड कर लेता है। नोबिता के मरने के 2 साल बाद ये कहानी फुजिको एफ फुजियो को पता चलती कि नोबिता नाम का एक लड़का था, उसके साथ ऐसा ऐसा हुआ था। फुजिको नोबिता के बारे में पता लगाने के लिए नोबिता के डॉक्टर से मिलता है। डॉक्टर उन्हें बताते हैं कि नोबिता क्या क्या इमेजिन करता था, डोरेमोन कौन था और डोरेमोन उसे कैसे गैजेट देता था। फिर फुजिको एफ फुजियो ने उस पर एक एनीमे बनाया जिसका नाम था डोरेमोन। फिर तो आप जानते हैं कि डोरेमोन ने कैसे सारे एनिमो पर राज करने लगा। सो दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो आपको? अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।